हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर को कंप्लीट आप देखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है लगभग, कि जेई मेंस में रहेगा, अप्रोक्सीमेटली एक एडवांस में भी रहता ही रहता है। ठीक है, नहीं तो अल्टरनेट ईयर में एक आता ही है इस चैप्टर से। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे हम लोग कि गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन पढ़ेंगे एमीटर में, वोल्टमीटर में, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब कुछ पढ़ेंगे, इसके बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी पढ़ लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एनर्जी एंड पावर के बारे में। ठीक, तो हम लोग को लास्ट थ्री लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने क्या निकाला था, एनर्जी एंड पावर है। इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो मेनली एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक, जो आप लैब में जाकर देखोगे, वहां पे लैब में ही आपको दिखेगा ये सब चीजें। मैं यहाँ पे बता पाऊंगा बस थोड़ा बहुत इसके बारे में, लेकिन जहां पे जो जरूरत चीज है वो मैं अच्छे से बताऊंगा। तो आपको बताता हूँ, जैसे पहला क्या होता है, बैटरी इलिमिनेटर। व्हाट इज बैटरी इलिमिनेटर? ठीक है, बैटरी इलिमिनेटर इलिमिनेटर, ठीक है, ये होता क्या है एक्चुअली, इसका ये यूज करते हैं क्या चीज, कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई के लिए। ठीक है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज के लिए। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, लार्ज वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो बैटरी इलिमिनेटर का इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अगर लैब गए होंगे तो। ठीक, एक रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या होता है, इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज करते हैं कि इसमें एक्चुअली वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है आपका इस पे ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस। ठीक है, ये स्टैंड एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है, ये आपका क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इससे कनेक्टेड होता है, इसे इधर उधर मूव कराते हैं, ये ए पॉइंट, बी एंड सी, ऐसे होता है रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस से हम लोग क्या कंट्रोल करते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक, मीन्स ये सिंपल डिवाइस होता है विच इज यूज टू कंट्रोल द करंट यूजिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसे बोलते हैं, इसका यूज ऑल्सो पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में भी कर लेते हैं। कैसे, पोटेंशियल डिवाइडर के भी रूप में कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इट इज यूज टू वेरी करंट इन द सर्किट। ठीक है, करंट वेरी करने के केस में भी यूज कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो यूज एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। एक बार ऐसे ही जेई में क्वेश्चन आ गया था 2003 में। ठीक, क्वेश्चन सिंपल ऐसे ही दिया हुआ था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये क्या है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि ये सी है, ए एंड बी। तो आप इसको बताओ कैसे हम लोग कैसे बैटरी अप्लाई करें, किसके अक्रॉस बैटरी अप्लाई करें कि एक्ट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर हो। ठीक है, मींस पूछा गया था हाउ कैन यू यूज इट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, ये क्या है हमारा रियोस्टेट है। एक्चुअली रियोस्टेट का सिंबल कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग जनरली ये जानते हैं कि रियोस्टेट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस में एक एरो बना देते हैं तो रियोस्टेट, अलग अलग सिंबल होता है। ठीक है, ये आपको दिया गया था, तो आप कैसे इसे यूज करोगे, लिखा हुआ था एग्जाम्पल में कि हाउ कैन वी यूज एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। ओके, तो इसे कैसे डिवाइडर के तरीके से यूज कर लेंगे, बैटरी किसके क्रॉस लगाएंगे, इसमें थ्री सर्किट होते हैं, यहां पे भी दिखाया है थ्री कनेक्शन होते हैं, लेकिन एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है। जैसे एक फिक्स हो गया, एक वेरिएबल हो गया, तो क्या करें अगर इसके क्रॉस अगर बैटरी लगा दें। ठीक है, तो इसको वेरी करके हम लोग करंट वेरी करा सकते हैं, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो हम ओम्स लॉ से क्या होता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो अगर पोटेंशियल, ठीक है, अगर ऐसे हो गया तो हमारा क्या करेंगे, मतलब आई करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। अब आता है रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स भी आप देखो उसमें बहुत सारे होते हैं, अगर टोटल देखा जाए तो 1000 ओम्स के उसमें लगे होते हैं, 1000 के इनफाइनाइट वाले भी उसमें होते हैं, तो उसमें किसी से भी जोड़ जोड़ के हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट है, आप लैब में एक बार जाकर आप देखना उसके, ठीक है, वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम लोग को जो यहाँ पे समझना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर एंड उसका कन्वर्जन। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है मैग्नेटिज्म में, ये चीज आप पढ़ लेना जरूर, बुक से पढ़ना। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में भी, सिलेबस में भी है। ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन क्या है, आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है,
इसका कंस्ट्रक्शन। तो उसमें करंट फ्लो कराया जाता है, एक रेक्टेंगुलर वायर लेकर वो रोटेट करता है, ठीक है। तो पढ़ना है आपको इस क्या चीज, मूविंग क्वायल गैल्वेनोमीटर, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये क्या करना है आपको, बुक से रीड करना है इसके बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बस डिस्कस करेंगे ये यूज किस लिए करते हैं, यूज किस लिए करते हैं, इसको यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए, उसके डायरेक्शन मेजर करने के लिए, ठीक है। सेंस ऑफ डायरेक्शन भी बताता है ये, ठीक। ये क्या चीज मेजर करता है, इट मेजर्स मेजर्स व्हाट, करंट, करंट इन द सर्किट, सर्किट, ठीक है। ये करंट मेजर करता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक क्या है कि ये लार्जर वैल्यू को मेजर नहीं कर पाता है। इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक, इसका ड्रॉबैक है कि कैनॉट मेजर लार्जर वैल्यू, कैनॉट मेजर लार्जर वैल्यू, लार्जर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अगर ज्यादा हाई वैल्यू की करंट अगर हो गई तो क्या हो जाएगा, वो उसका सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है, वो फ्यूज हो जाएगा या जल जाएगा, जो भी हो जाएगा आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, इसलिए वो लार्जर वैल्यू को मेजर नहीं कर पाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि गैल्वेनोमीटर आपका क्या होता है, स्मॉल करंट को ही मेजर करता है। किस कैसा करंट को, स्मॉल करंट को मेजर करता है। मान लेते हैं जैसे 0.1 एम्पियर हो गया, 0.5 एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर हो गया, ये सबको मेजर करता है, ज्यादा हायर वैल्यू को मेजर नहीं करता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो गैल्वेनोमीटर की सोच कैसे आई, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो करंट मेजर कैसे करेंगे हम लोग, अगर करंट मेजर करना हुआ तो मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस हुआ आर का, तो अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हमें करंट का मेजरमेंट करना है तो करंट मेजरमेंट के लिए कौन सा डिवाइस होता है, एमीटर। अगर हाई वोल्टेज आ रहा है तो, हाई करंट है तो सॉरी, एमीटर। तो एमीटर कैसे लगाएंगे, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो एमीटर सीरीज में लगा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, करंट मेजर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है कि करंट मेजर करने के लिए एमीटर को कैसे लगाना होगा, रेजिस्टेंस के सीरीज में। अगर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल मेजर करना हो, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा मीन्स दो पॉइंट, तो पोटेंशियल मीटर कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करेंगे, इसके पैरेलल लगा देंगे, मीन्स ये दो पॉइंट के क्रॉस लगा देंगे वोल्ट मीटर। तो ये समझ में आ रहा है कि करंट मेजर करना हो, मीन्स एमीटर किधर लगाएंगे, रेजिस्टेंस के सीरीज में, एंड वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा देंगे, ठीक। ये चीज समझ में आ रहा है ना, तो इससे आपको बनाया गया अलग अलग डिवाइस, ठीक। अब चलते हैं हम लोग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर पढ़ने, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीज अब ध्यान से पढ़ते हैं उसके बारे में, ओके। अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट। एमीटर भी क्या मेजर करेगा, करंट, ठीक है। लेकिन गैल्वेनोमीटर कैसा करंट मेजर करेगा, स्मॉल करंट, लार्ज करंट मेजर नहीं करेगा। लेकिन अब लार्ज करंट अगर मेजर करना हुआ तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एमीटर, ठीक है। तो एमीटर हमारा क्या मेजर करेगा, करंट। तो अब देखते हैं एमीटर बनाया कैसे गया। जैसे मैंने अभी ऊपर दिखाया आपको एक सिस्टम बनाकर कि करंट मेजर करना हो तो सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर रेजिस्टेंस। यहां से करंट फ्लो हुआ, तो अब इसे करंट मेजर करना है। तो अगर करंट मेजर करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर ही आपका करंट मेजर करता है। लेकिन ये तो करंट लार्जर है, अगर ये करंट डायरेक्ट इसमें गैल्वेनोमीटर में सप्लाई किया तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर तो खराब हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इस करंट को, आई को, अगर मेरे को कम करना है, इसमें कम जाना है तो क्या करना होगा, ठीक है, इसे क्या करना होगा, इसके पैरेलल कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस ऐड कर दें, तभी तो हमारा क्या होगा, दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा। ये समझ में आ रहा है, डेट मीन्स इसका करंट कम हो जाएगा। इसे मान लेते हैं आई जी, इसमें ये क्या है हमारा गैल्वेनोमीटर, तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही, जिसे आर जी के नाम से मानते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सिस्टम में रहता ही है, तो ये रहेगा ही, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। अब आई जी हमारा किधर गया, इधर गया, ठीक है, तो आई जी हमारा इधर जा रहा है, एंड तो इधर कितना जाएगा, आई माइनस आई जी, हमें तो मेजर करना है आई, करंट मेजर करना है, आई जी अब इधर जा रहा है। ऐसे क्या बोलेंगे जो पैरेलल ऐड करते हैं, इसे संट के नाम से जानते हैं, ठीक है,
एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है, संट तो इसे क्या बोलेंगे, संट। यही पूरे सिस्टम हमारा क्या मेजर कर रहा है, पूरा सिस्टम मिलकर करंट मिल रहा है, तो इसे क्या बोल देंगे, एमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम एमीटर होगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें समझते हैं कि हमें आईजी चाहिए कि आई माइनस आईजी चाहिए, या हमें आई मेजर करना, हमें तो मेजर करना है आई, लेकिन ये तो हमारा गैल्वेनोमीटर सिर्फ आईजी मेजर करेगा, तो आईजी तो हमें चाहिए नहीं, हमें आई चाहिए। तो अब देखते हैं पहले एमीटर होना कैसा चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, इधर ऐसे कहीं साइड में हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका एक सर्किट है, ठीक। इसमें 10 वोल्ट है, 2 ओम का रजिस्टर लगाया, तो करंट कितना फ्लो करेगा, 10/2 डेट मीन 5 एम्पियर, 5 एम्पियर फ्लो करेगा। अब इसे आपको मेजर करना है कि 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, एक एमीटर लगाओगे, एमीटर तो लगाओगे ना आप, हाँ एमीटर लगाओगे। कैसे लगाओगे, इसके सीरीज में लगाओगे, मीन्स इसके ऐसे, यहां पे आप क्या करोगे, एमीटर लगाओगे, ठीक है। एमीटर तो लगा दिया, ये समझ में आ रहा है कि एमीटर लगाया, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ठीक है। अब पता चले कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर 3 ओम है, 3 ओम है, अब ध्यान से आप सुनना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एमीटर का तो रेजिस्टेंस होगा, ये तो फिक्स है कि सिस्टम है तो कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर 3 ओम है तो हमारा करंट कितना फ्लो करेगा इस सिस्टम में, अब बताओ, 3 ओम + 2 ओम, 5 ओम, 10/5 मीन 2 एम्पियर, 2 एम्पियर फ्लो, तो करंट ये कितना मेजर कर रहा है, एमीटर, 2 एम्पियर, जबकि मेजर कितना करना था उसे, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर मेजर करने के लिए हमने एमीटर लगाया, लेकिन हमारा एमीटर कितना मेजर कर रहा है, 2 एम्पियर। तो ये एमीटर कैसा है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मीन्स ये सही डिवाइस है या बेकार है, अब बताओ, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये यूजलेस हो गया। तो यूजफुल होने के लिए क्या होना चाहिए, अब बताओ, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस जैसे ज्यादा हुआ मीन्स ये बढ़ गया, तो करंट हमारा कम हो गया, जितना कम रेजिस्टेंस इसका उतना करंट ज्यादा, डेट मीन्स इक्विवेलेंट के मतलब जितना हमारा ये कम होते जाएगा वो 2 के इक्विवेलेंट आएगा। मान लिया 0.1 हो गया, तो 2.1 ही तो रेजिस्टेंस होगा, अगर 0.01 इसका रेजिस्टेंस हो जाता तो ये क्या होता, 2.01, क्योंकि सीरीज में ऐड किए हैं तो 2.01 रेजिस्टेंस होता, तो हमारा करंट अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास आता, डेट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, मीन्स एमीटर के रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये तो हमारा यूजलेस हो गया, अगर गुड एमीटर लेना है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, गुड एमीटर, एमीटर हैव आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आइडियल की बात किया जाए, एन आइडियल एमीटर, ठीक है, एमीटर, तो उसके केस में आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये टेंडिंग टू 0, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, बट इस केस में ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होता है तो ठीक है, देखते हैं, तो एमीटर का हमारा क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू, अगर देखें तो एमीटर का क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इसका टेंडिंग टू 0, अगर टेंडिंग टू 0 हो गया, अगर इसका रेजिस्टेंस, अगर ये 0 है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा, अगर 0 है, ये आईजी कैसा होना चाहिए, आप ध्यान से देखो, आईजी जितना कम होगा उतना ये सेफ रहेगा, ठीक है। तो आईजी हमारा कितना होना चाहिए, अगर आईजी हमारा 0 हो गया, टेंडिंग टू 0, 0 नहीं, टेंडिंग टू 0, ये ध्यान में रखना है, टेंडिंग टू 0, तो ये हमारा करंट इधर से मैक्सिमम जाएगा, तो ये हमारा ये भी सेफ हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, सेफ हो गया, तो मैक्सिमम करंट इधर से जाएगा। अगर मैक्सिमम करंट इधर से जाने के लिए संट कैसा होना चाहिए, इसका भी रेजिस्टेंस मिनिमम, तभी तो मैक्सिमम करंट इधर से जाएगा। ये तो आरजी तो आपका फिक्स है, क्योंकि ये तो गैल्वेनोमीटर का है, तो ये तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसे चेंज कर सकते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, ये ध्यान से समझने वाली बात है ये चीजें, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, तो मिनिमम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, संट का भी रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0। कैसे मिनिमम होगा ये भी देख लेते हैं, ये कैसे संट पैरेलल में है, 1/RA जो है हमारा, RA क्या है, एमीटर का रेजिस्टेंस, इक्वल टू 1/RG + 1/S, यही तो है। अगर RG आपका फिक्स है, ठीक है, अगर करंट इसमें बहुत ही कम गया, ठीक, अगर कम गया, तो अगर कम जा रहा है डेट मीन्स हमारा आरजी, हमारा ये क्या है,
ये देखते हैं, ये हमारा टेंडिंग टू जीरो हो गया। अगर ये टेंडिंग टू जीरो है, ये तो फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, डेट मीन्स ये इन्फिनिटी, और ये इसमें सब्सट्रैक्ट होगा या ऐड होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी करेंगे इक्वल मिस इन्फिनिटी इक्वल टू वन बाई एस मिस एस टेंडिंग टू जीरो। दैट मीन्स मैथमेटिकल भी आपका क्या होना चाहिए, एस टेंडिंग टू जीरो, और लॉजिकल भी हम लोग जानते हैं कि जिधर भी कम रेजिस्टेंस होगा करंट उधर से ही जाएगा, तो ऊपर वाला अगर रेजिस्टेंस एकदम कम हो गया तो करंट सबसे ज्यादा उधर जाएगा, ये जीरो नहीं हो रहा, टेंडिंग टू जीरो, ये चीज ध्यान में रखना है, टेंडिंग टू जीरो। ठीक, तो हमें अब यहाँ पे क्या मेजर करना है आपको ये बताना है, हमें आईजी मेजर करना है कि आई माइनस आईजी मेजर करना है या हमें आई मेजर करना है, किसके लिए हम लोग लगाए हैं ammeter, ammeter तो हम लोग ये मेजर करने के लिए लगाए हैं, आई मेजर करने के लिए, तो हमें तो आई चाहिए, आईजी नहीं चाहिए, या आई माइनस आईजी नहीं चाहिए, हमें चाहिए आई, तो ये पूरे सिस्टम को ammeter बोलते हैं। ठीक है, तो हम आई कैसे निकालेंगे, अब इसके अक्रॉस आप देखो तो इसके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल सेम है, चाहे जो करंट इधर जा रहा हो या ये करंट इधर जा रहा हो, पोटेंशियल तो इसके इस पॉइंट के अक्रॉस सेम है, अगर सेम है तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस क्या होगा, आई माइनस आई जी इंटू एस, इसके अक्रॉस आई जी इंटू आर जी, ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, मीन्स क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू आर जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग अगर R की वैल्यू I की वैल्यू निकालें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से आप बताओ आई जी इंटू वन प्लस आर जी बाई एस, ऐसे आपको करंट की वैल्यू निकल जाएगी। ये आप कहोगे कि I तो जीरो है, I कहां से जीरो, I जीरो नहीं, I टेंड टू जीरो है, I मिनिमम हम लोग किए हैं। ठीक है, आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर लार्ज वैल्यू नहीं कर सकता है तो उसे मिनिमम, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई है कि हमारा मिनिमम होना चाहिए यहाँ पे, मैंने देखा अदरवाइज ज्यादा होगा तो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, ये संट हमारा उसके केस में क्या हो गया, टेंडिंग टू जीरो हो गया। ठीक है, तो आई जी टेंडिंग टू जीरो हो गया, ये समझ में आया, तो हमारा क्या हो गया, जब गैल्वेनोमीटर के एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो करंट कैसा होगा, आई इक्वल टू आई जी इंटू वन माइनस आर जी, वन प्लस आर जी बाई एस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैसे कन्वर्ट किया गया ये समझ में आया। ठीक है, तो इसके बेस एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ये कर लो आप लोग। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा जा रहा है गैल्वेनोमीटर विच कैन मेजर मेजर मैक्सिमम करंट अप टू 0.1 एम्पियर। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज दिस, मतलब गैल्वेनोमीटर आई जी दिया हुआ है आपसे कितना 0.1 एम्पियर, एंड आर जी दिया हुआ है 2 ओम, ये दिया हुआ है, इसका मैक्सिमम करंट कितना मेजर करना है 20। ठीक है, अगर 20 एम्पियर मेजर करना है, मीन्स आई इक्वल टू 20 एम्पियर, तो हमें क्या निकालना होगा, बोला गया है कि कैसे हम लोग, हाउ कैन वी मेक एन ammeter, ammeter में बनाने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और इसके पैरेलल में एक संट लगाना हो चाहिए, यही सिस्टम हमारा क्या होता है, पूरे पूरे सिस्टम को ammeter बोलते हैं, ammeter। ठीक है, अगर ये सिस्टम है तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर का सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, हमें संट का नहीं दिया हुआ है, मीन्स ये संट निकाल लें तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि संट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, I इक्वल टू आई जी इंटू वन प्लस आर जी बाई एस, आई क्या है 20 एम्पियर मेजर करना है, आई जी क्या दिया हुआ 0.1, ओके, वन प्लस आर जी कितना दिया है 2 बाई एस, ओके, तो आपका कितना हो गया, अब ध्यान से देखो, तो ये 200 इक्वल टू वन प्लस टू बाई एस, ठीक ठीक है, ये क्या आ जाएगा 199, मीन्स एस इक्वल टू टू बाई 199, ठीक, इतना ओम आ जाएगा। देखो आप संट की वैल्यू कितनी छोटी है, इतनी जितना है स्मॉल उतनी ज्यादा, तो हमारे कंडीशन भी सब सेटिस्फाई हो रहा है जो हमने देखा था कि हमारे संट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेंडिंग टू जीरो, मीन्स बहुत ही कम होनी चाहिए, तो यहाँ स्मॉल वैल्यू आई जी भी मेजर करा, उसका रेजिस्टेंस भी कम, ठीक है, आई लार्जर हो गया। ठीक है, अब लार्जर हो गया उसके केस में संट की वैल्यू कम हो गई, तो हमारा फाइनली मेजर हो गया, तो यही आपको निकालना था। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परसेंटेज एरर के बारे में भी डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, एरर में आपको बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया है तो यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं एरर के बारे में, इसमें कि एरर कैसे निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन ये देखते हैं, परसेंटेज एरर फॉर ammeter। ठीक है, मेनली जो अब हम लोग ऊपर पढ़े, ठीक है, आई इक्वल टू आई जी, तो मेंस में अगर क्वेश्चन पूछेगा करंट निकालने को तो वैसे पूछेगा, लेकिन एडवांस में क्या करता है, वो एरर में भी मिक्स कर देता है, तो आपका कंफ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन एरर का है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक है, तो इसमें एरर भी पूछ देगा, क्यों एरर क्यों होगा, एरर तो होगा, हाँ अगर यहाँ पे ये है तो रियल करंट आई रियल कितना हमारा फ्लो कर रहा है, आप बताओ वी बाई आर,
यही तो रियल करंट फ्लो कर रहा है इसमें, लेकिन एमीटर कनेक्ट करने की वजह से, एमीटर में भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, हमने देखा अभी ठीक है कि रेजिस्टेंस होगा, अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसके वजह से तो मेजर्ड करंट कुछ कम हो जाएगा, क्यों कम होगा, वी अपॉन आर प्लस आर, जो मेजर्ड करंट क्या होगा, आई इक्वल टू आई मेजर इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर ए, यही तो होगा ये चीज ठीक है। तो अगर परसेंटेज एरर निकालना हुआ, परसेंटेज एरर हम लोग क्या निकालेंगे, आई आर माइनस आई मेजर्ड अपॉन आई आर रियल इंटू 100, दैट इज अ परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या लिखेंगे, आई आर क्या है, वी बाई आर माइनस वी अपॉन आर प्लस आर ए अपॉन वी बाई आर इंटू 100 ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो वी तो सब में से कॉमन, तो कैंसिल आउट, हमारे यहां पे क्या बचा, आर प्लस आर माइनस मीन्स आर ए अपॉन आर प्लस आर ए इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज एरर ठीक है। तो परसेंटेज एरर आपका कितना आ गया है, दिस वन, या इसे और सिंप्लीफाई वर्ड में लिखना है तो परसेंटेज एरर इक्वल टू आप लिख सकते हो 100 अपॉन, ये आर ए को नीचे लेकर आ जाओ तो क्या आ जाएगा 1, या आर बाई आर ए प्लस 1, दैट इज योर परसेंटेज एरर। तो क्वेश्चन आपको क्या करता है, वहां से घुमा फिरा कर यहाँ पे पूछ लेगा आपसे ठीक है कि परसेंटेज एरर बताओ, तो ये सिर्फ एडवांस टाइप में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन ठीक है। मेंस में भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, एडवांस का क्वेश्चन आजकल मेंस में ही आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन 10% तो ऐसा रह रहा है कि रिपीटेड रह रहा है कि एडवांस का ही क्वेश्चन मेंस में डाल रहे हैं ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन एडवांस में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मिक्स किए जाते हैं ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर के बारे में देखते हैं ओके। अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, अब इसे कैसे करेंगे ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, अगर ऐसे रेजिस्टेंस दिया हुआ है ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है, मान लेते हैं R1 R2, तो हम अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो इसके अक्रॉस क्या करेंगे, वोल्टमीटर अप्लाई करेंगे, मीन्स इसमें कैसे पैरेलल में, तभी तो इस पॉइंट के अक्रॉस निकलेगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है तो इसके पैरेलल में लगाना होगा वोल्टमीटर, तो हमें क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है इसके अक्रॉस, तो हमें वोल्ट मीटर ऐसे लगाना होगा, मीन्स रेजिस्टेंस के पैरेलल। एमीटर कैसे लगाते थे, रेजिस्टेंस के सीरीज में, वोल्ट मीटर इसके पैरेलल, लेकिन अब कैसा वोल्ट मीटर होना चाहिए, इस केस में भी अब इसका वोल्ट मीटर में तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ठीक है, जैसे एमीटर में अपना सिस्टम है तो होगा, तो कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे वोल्ट मीटर में एमीटर में देखे थे वैसे इसमें भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये दो सिस्टम है, दो रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे, मान लें कि 6 ओम, ऐसे भी 6 ओम ठीक है। अगर 6 ओम मान लिया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अब बताओ, अगर 10 ओम है तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा 0, तो यहाँ पे 10, तो अगर 10 है तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो 5 हो जाएगा, ये 0, यही तो होगा, हाँ होगा, ये तो समझ में आ रहा है कि इसके अक्रॉस कितना हो गया डिफरेंस, वी इक्वल टू 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी वी इक्वल टू 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इतना। लेकिन हमें तो ऐसे तो मेजर नहीं करना, हमें तो वो चाहिए मेजर करने वाला डिवाइस जो जिसे वोल्ट मीटर बोलते हैं, तो अब वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा दिया, मान लिया कि वोल्ट मीटर लगा दिए ठीक है। अब वोल्ट मीटर अगर लगाए, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाए तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस 3 ओम, अगर 3 ओम माने तो अब कितना मेजर करेगा ये वोल्ट मीटर, ये आपको बताना है, अब कितना मेजर करेगा ये देखते हैं कितना मेजर करता है ठीक। तो अब 3 ओम अगर हो गया तो इसमें करंट कितना जा रहा है ये आप बताओ, ये देखो तो करंट कितना जा रहा है इसमें, अगर 3 ओम हो गया तो 3 और 6 किसमें है, पैरेलल में, तो 3 और 6 मिलकर 2 हो गया, 2 प्लस 6 8, मीन्स 10/8 मीन्स हाउ मच, 5/4 मीन्स 1.25 जा रहा है इसमें ठीक है, 1.25 करंट फ्लो कर रहा है, अगर 1.25 करंट फ्लो कर रहा है इसमें ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट कितना जाएगा, अब ध्यान से देखो, अब बताओ कितना जाएगा, अब बताओ कितना जा रहा है, कुछ सोचा, यहाँ से अगर मान लें कि जब लगा दिया तो नया केस में हमारा कितना जा रहा है, मान लेते हैं कि 1.25 एम्पियर, तो 1.25 जा रहा है तो इसमें कितना जा रहा होगा, 2/3 टाइम्स 1.25, ये तो समझ में आ रहा है कि इतना करंट इसमें जा रहा होगा, इसमें 1/3 टाइम्स, क्यों, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस कम है इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है, मीन्स इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना ये मेजर कर रहा है वोल्ट मीटर, 1.25 इंटू 2/3 इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यही तो होता है, तो करंट इतना जा रहा है इंटू रेजिस्टेंस, तो 3 से 3 कैंसिल, मीन्स 2.5
2 × 1.25 वोल्ट मेजर कर रहा है. हमें मेजर कितना करना है 5 वोल्ट. ये मेजर कितना कर रहा है 2.5 वोल्ट. मीन्स ये कैसा हो गया, सीधे 50% कम मेजर कर रहा है. तो ये हमारा क्या हो गया, यूजफुल हुआ कि यूजलेस हुआ, यूजलेस हो गया. ये यूजलेस हो गया. ये समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि हमारा एक करंट, इसमें रेजिस्टेंस कम है, इसकी वजह से करंट क्या हो रहा है, ज्यादा जा रहा है. अगर ज्यादा गया तो हमारा क्या हो गया, ये यूजलेस हो गया. सपोज इसका मैं करके बोलता कि 48 ओम कर दें, कितना 48 ओम. तो 48 ओम और 6 एक ऐसे हो जाएंगे, आप ऐड करो 48 एंड 6 तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो कि अच्छा. ये बताओ आप एक चीज और चीज समझते हैं यहाँ पे, ये क्या है 6 ओम, ये 6 ओम. पहले हमारा कितना एम्पियर करंट जा रहा था, जो भी जा रहा था 10/12 मीन्स 5/6, तो हमारा 5/6, तो इसमें हमारा ड्रॉप हो रहा था 5 वोल्ट 5 वोल्ट. ठीक है, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा किसके अप्रोक्स इक्वल आ जाए, इसके इक्वल या ये पुराने वाले रेजिस्टेंस के इक्वल, तो हमारा करंट उतना ही जाएगा, तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप वैसे ही आएगा. तो दोनों का इक्विवेलेंट हमारा 6 के आसपास आने के लिए इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, आप ध्यान से बताओ. अगर सपोज यहाँ पे क्या है 3 और 6 है, तो कितना आया था रेजिस्टेंस 2 ओम. अगर 3 के प्लेस पे मैं 6 ओम रखता तो 6 और 6 मिलकर कितना आता है 3 ओम. अगर यहाँ पे 12 रखता तो हमारा कितना आता 4 ओम. मीन्स ये रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं अगर वोल्टमीटर का, अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं वोल्टमीटर का, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है तो इसके इक्वल आ रहा है, मीन्स इसके इक्वल आ रहा है. दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, टेंडिंग टू इनफाइनाइट. अगर गुड वोल्टमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, टेंडिंग टू इनफाइनाइट. मीन्स आपको अगर लिखना हो फॉर गुड वोल्टमीटर, ये समझ में आ रहा है कि क्या होता है गुड वोल्टमीटर, हमारा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए वोल्टमीटर का, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनफाइनाइट. ठीक है, या टेंडिंग टू इनफाइनाइट जो लिखना है. फॉर आइडियल के लिए क्या होना चाहिए, आइडियल आरवी इक्वल टू इनफाइनाइट. ठीक है, ऐसे होना चाहिए. तो अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, कैसे बनाया, कैसे गया वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर से. ये हमारा रहा रेजिस्टेंस, ठीक है, आर का. यहां से करंट आया आई, ठीक है. अब हमें इसके अक्रॉस निकालना है, ठीक है. तो गैल्वेनोमीटर किधर लगाएंगे, अब इसके अक्रॉस अगर लगा दिए तो हमारा तो एमीटर बन जाएगा. तो गैल्वेनोमीटर के लिए वोल्टमीटर हम कैसे करते हैं, इसके पैरेलल में लगाते हैं. मीन्स गैल्वेनोमीटर इधर कर लेंगे तो यहां से जो करंट जाएगा इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पोटेंशियल मिल जाएगा इस दो पॉइंट के बीच में, ठीक है. लेकिन एक चीज ध्यान से, यहां से हमारा आईजी गया, इधर क्या गया, आई माइनस आईजी. ये तो समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है. क्या ये आईजी स्मॉल होगा कि लार्ज होगा, लार्ज होगा. अगर लार्ज होगा तो क्या ये हमारा सिस्टम गैल्वेनोमीटर तो स्मॉल के लिए है, ये तो हमने जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, स्मॉल करंट. तो ये लार्ज मेजर कर पाएगा क्या, ये लार्ज करंट मेजर कर पाएगा क्या, नहीं मेजर करेगा. तो लार्ज करंट नहीं मेजर कर पाएगा तो ये करंट को कम करना होगा. ये करंट को कम करने के लिए क्या करना होगा, आप ध्यान से देख सुन सोचो एक चीज. अगर ये करंट को कम करना है तो इधर वाला करंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. तो ये करंट कम कैसे होगा, जब इस सिस्टम का, ऊपर वाले सिस्टम का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा. जैसे सपोज फिर एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि ये रहा ये ऐसे, पहले ये 2 ओम था, इधर भी 2 ओम था, तो इसमें करंट अगर 2 एम्पियर जा रहा तो दोनों में क्या हो जा रहा था, 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर डिवाइड हो गया. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. सपोज मैं इसे क्या कर दूं, 4 ओम कर दूं, तो क्या इधर भी 1 ओम जाएगा, नहीं जाएगा. 1 एम्पियर जाएगा, नहीं जाएगा. अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. इधर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इधर ज्यादा हो जाएगा. इधर कितना हो जाएगा, अगर 4 है, 4:2 अगर 2 करें तो इधर 2:1 मीन्स इधर चला जाएगा 4/3 एंड इधर 2/3 ऐसे जाएगा. ये तो समझ में आ रहा है कि इधर आपका 4/3 एम्पियर एंड 2/3. तो ये पहले से कम हो गया कि ज्यादा, पहले से कम हो गया. मीन्स रेजिस्टेंस अगर इसका बढ़ाते जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा. मीन्स इसका रेजिस्टेंस तो ये तो फिक्स है गैल्वेनोमीटर का, तो यहाँ पे क्या करें, एक्स्ट्रा एक रेजिस्टेंस ऐड कर दें जिसे हम लोग संट के नाम से जानेंगे. ठीक है, तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया. ठीक है, तो हमारा करंट कम गया तो ये भी सेफ हो गया, ये भी हमारा मेजर कर पाएगा.
ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं जो इसके पैरेलल में ऐड किए हैं, इस पूरे सिस्टम को ही वोल्टमीटर बोलते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर। ठीक है, अगर सिस्टम को वोल्टमीटर बोलते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? आप देखो गुड वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। तो ये तो हमारा फिक्स, तो ये हमारा शंट की क्या होनी चाहिए? शंट का रेजिस्टेंस टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर है तो आर जी प्लस शंट, ये क्या होना चाहिए? टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो हमने देखा गोल्ड वोल्ड। ठीक है, आई जी क्या होना चाहिए? अगर इसका ये अब इन्फिनिटी हो गया वोल्टमीटर, तो पोटेंशियल ये आई जी क्या होगा? करंट टेंड टू जीरो। ये सब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया सर्किट के लिए, सब यूजफुल हो गया। ये हमारा इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, तो ये ऑटोमेटिक लिख लें, ये क्या हो गया? जीरो के टेंडिंग हो गया। ये तो समझ में आ रहा है क्यों जीरो के टेंडिंग हुआ, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, तो ये जीरो के, ओम्स लॉ, आई इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, तो हमारा अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तो हमारा ये टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर। तो अब क्या करें, चाहे ये आई माइनस आई जी इंटू आर ले लें, चाहे आई जी इंटू आर जी ये ले लें। ठीक है, आई जी इंटू आर जी प्लस एस, तो वी इक्वल टू क्या करें? आई जी इंटू आर जी प्लस एस। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि कैसे निकालना है? ये इसका रहा कॉन्सेप्चुअल चीज जो कि समझने वाली बात थी। ठीक है, ये भी वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना है, तो आप कंटिन्यू देखते रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसी लेक्चर में सब कुछ फिनिश करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो सकता है, डेढ़ घंटे का भी हो सकता है, तो आप देखते रहना कंटिन्यू। ओके, अब इसमें भी अगर परसेंटेज पूछ दिया जाए, परसेंटेज एरर, तो आप क्या करोगे? फिर से वी रियल माइनस वी मेजर अपॉन वी रियल इंटू 100 करके आप परसेंटेज एरर निकाल सकते। ओके, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं मीटर ब्रिज के बारे में, मीटर ब्रिज भी देख लेते हैं क्या होता है। ओके, ये देखते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के केस में, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में भी क्या करते थे? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते थे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में तो उसमें भी नल डिफ्लेक्शन देखते थे। इसमें क्या होता है, एक 1 मीटर का वायर इसके बीच में कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये क्या है? 1 मीटर का वायर, जिसका मैं मान लिया कि लैम्डा ओम पर मीटर रेजिस्टेंस है। ठीक है, 1 मीटर का वायर, इसमें क्या किया जाता है? जॉकी को इस पे घुमाया जाता है इधर से उधर, लेफ्ट टू राइट। ठीक, ताकि इसमें नल डिफ्लेक्शन आए। अगर कभी इधर डिफ्लेक्शन आएगा, कभी इधर डिफ्लेक्शन आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों के बीच में आपका नल डिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आएगा। तो नल डिफ्लेक्शन जब शो करेगा तो वहां पे आकर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही ये बेस्ड होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां से एल डिस्टेंस पे क्या है, ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये क्या है? 100 माइनस एल, ये टोटल लेंथ 1 मीटर का होता है इसमें। ठीक है, तो हमें अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो ए से हमारा क्या क्या कनेक्टेड है? बी भी कनेक्टेड है एंड ए से डी भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, ए से एक रेजिस्टेंस जो आर बी है। ओके, एंड दूसरा ये रेजिस्टेंस, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस क्या करेंगे? लेमडा इंटू एल, एल लेंथ का है। तो ठीक है, अब बी से क्या क्या कनेक्टेड है? सी कनेक्टेड है, जो अननोन रेजिस्टेंस एक्स है। ठीक है, एंड बी से डी कनेक्टेड है थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ये कनेक्टेड है। ओके, एंड डी से क्या कनेक्टेड है? डी से भी सी कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है। ठीक है, इसका क्या है? 100 माइनस एल इंटू लैम्डा, ये अब इसका रेजिस्टेंस है, इधर आपका पोटेंशियल कनेक्टेड है। अब ये कैसा दिख रहा है? अगर ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? जब इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो होना चाहिए, यही तो हमने पढ़ा था। हाँ, यही पढ़ा था कि आर ए बाई एक्स इक्वल टू लेमडा एल बाई दिस, यही होना चाहिए। तो हम लोग कर लेते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, तो क्या करें, कैसे लिखे? लिखते हैं आर ए आर बी क्या आर बी है ना, आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स, आर बी बाई हाउ मच दिस बाई दिस एक्स इक्वल टू लेमडा एल बाई 100 माइनस एल इंटू लेमडा, लेमडा लेमडा कैंसिल आउट, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा?
RB into L 100 minus L by L, that is your answer. X आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है. तो मीटर ब्रिज इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक, कि ये लेंथ 100 मीटर वायर का होता है, इसमें नल डिफ्लेक्शन शो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये क्या अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं वी टेस्ट ऑन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है. अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है. पोटेंशियोमीटर को यूज देखते हैं. पोटेंशियोमीटर से ही हम लोग आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे जो जेई एडवांस में आते हैं, ठीक है. तो अब चलते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में. ये सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. इसको इधर उधर घुमाएंगे, इसका रेजिस्टेंस दिया रहेगा, आप सिंपली इसका रेजिस्टेंस इनटू मल्टीप्लाई कर लो, निकल गया. उसके बाद वी टेस्ट ऑन ब्रिज कॉन्सेप्ट यूज कर ले, ठीक है. अब नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर, अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है. पोटेंशियोमीटर क्या होता है. पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन. क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, ठीक है. ये चीज होता है पोटेंशियल में. क्या होता है, पोटेंशियोमीटर भी क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है. इससे भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं. तो इसका यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं. तो अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर. ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी का, ठीक है. ये देखते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर. ओके, मैं बोल रहा हूं राइटिंग से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप समझ जाना बस, ठीक है. मान लेते हैं ये आपका क्या है, ऐसे दिया हुआ है, ये आपका पोटेंशियल. एक वायर यहां पे कनेक्ट कर दिया, कैसा, एक वायर मैंने ये कनेक्ट कर दिया ऐसे. यहां पे इसका वोल्टेज ले लिया V, ठीक है. ये वायर है, इसका कुछ लेंथ होगा, जिसका लेंथ मान लेते हैं L है, ठीक है. लेंथ क्या है, इसका लेंथ मान ले रहे हैं L है इस वायर का, ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, EMF निकालना है किसी का. अब किसी सेल का अगर EMF निकालना है तो मान लेते हैं सेल को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं. सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है, ठीक है. अब इसे ऐसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे G गैल्वेनोमीटर और इसे यहाँ पे जॉकी, ठीक है. अब इसका हमें क्या निकालना है, EMF निकालना है. तो EMF कैसे निकालेंगे, अब ये आप ध्यान से देखो क्या लिखा गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या V बाई L इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट. इस कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है. पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेडियंट, ठीक है. V बाई L को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक. ये चीज आपको याद रखना है. अब देखते हैं हमें EMF निकालना है मेनली, तो EMF कैसे निकालेंगे ये सोचते हैं इसके बारे में. अब इस जॉकी को, ये जॉकी जो है, ठीक है, जॉकी को क्या करेंगे, इस वायर पे इधर से उधर मूव कराएंगे. कब तक मूव कराएंगे, जब तक इसमें नल डिफ्लेक्शन ना शो कर दे. नल डिफ्लेक्शन शो कर देगा मीन्स इसमें करंट, इस वायर में क्या हो जाएगा, करंट जीरो. इस वायर में करंट जीरो हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है, जो ईएमएफ वाला है इसमें क्या हो जाएगा, करंट जिसमें सेल अटैच्ड है इसमें करंट जीरो हो जाएगा जब ये नल डिफ्लेक्शन हो जाएगा. नल डिफ्लेक्शन इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, नल डिफ्लेक्शन, ठीक है. जब नल डिफ्लेक्शन आ गया तो मान लेते हैं किसी डिस्टेंस एक्स पे क्या आया, हमें नल डिफ्लेक्शन मिला. तो एक्स तो आप मेजर कर सकते हैं, स्केल दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि एक्स कितना है, ठीक है. वी बाई एल आपको पता है, हमें चाहिए ई की वैल्यू. अगर यहां पे वी है तो यहां पे जीरो अगर माने तो ये वी, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस वी. तो ये अगर वी है तो ये भी वी और ये जीरो, ठीक है. चलते हैं अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इसमें. अब इसमें क्या है, करंट फ्लो कर रहा है क्या, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है. डेट मीन्स आई इक्वल टू जीरो है, आई इक्वल टू जीरो है यहां पे. अगर जीरो है तो यहां का अगर पोटेंशियल क्या है, ये जीरो माने तो यहां पे भी जीरो, तो यहां पे क्या होगा, ईएमएफ ई होगा. तो अगर करंट जीरो है तो ई माइनस आई आर होता है, तो ई माइनस आई आर, आई जीरो है तो यहां पे भी क्या हो जाएगा ई. डेट मीन्स यहां पे भी क्या होगा ई. ये समझ में आ रहा है कि यहां का क्या हो जाएगा ई. तो ईएमएफ यहां का ई आ गया. अगर ई आया तो आपको क्या है, वी बाई L इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आपका क्या होगा, V बाई एल इक्वल टू ई बाई एक्स लिख सकते हैं. मीन्स V बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू ई लिख सकते हैं क्या, दैट इज योर ई एम एफ, सेल का ई एम एफ,
ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो सेल का ईएमएफ। ये टर्म आप हमेशा याद रखना। अब इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है अब न्यूमेरिकल करके आपको दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इंपॉर्टेंट। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, हो सकता है सेल का दिया हो ईएमएफ, आपसे एक्स डिस्टेंस पूछा जा सकता है, ठीक। एक्स अगर नहीं, एक्स दिया हुआ है तो ये पूछा जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, अलग अलग टाइप के आप क्वेश्चन करते हैं जो कि जेई एडवांस में आते हैं, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक। ये तो समझ में आ गया, आपको ये याद रखना है, आपको वी बाई एल पोटेंशियल ग्रेडियंट, वी बाई एल इंटू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू 4.6 पे पूछा जा रहा है कि ई की वैल्यू आप बताओ, जब एक्स इक्वल टू 4.6 पे क्या है, नल डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, मीन्स 4.6 पे मीटर पे नल डिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल 10 मीटर दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो आपको इसका ई की वैल्यू निकालनी। तो अब कैसे निकालेंगे, अब सोचो इसमें भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, तो अब क्या निकालेंगे, अब क्या करोगे, अगर इसमें नल डिफ्लेक्शन है, नल डिफ्लेक्शन है तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल ई है तो यहाँ पे भी क्या होगा ई, क्योंकि इसमें आई तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ई, तो यहाँ पे भी क्या होगा ई, हमें ई, तो हमें क्या लिखना होगा, वी बाई एल इक्वल टू ई बाई एक्स, मीन्स ई इक्वल टू वी बाई एल इंटू एक्स, यही होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर कितना है ये हमें पता होना चाहिए, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, पहले ये देखना होगा तभी तो ई निकलेगा हमारा, क्योंकि ये तो ये भी ये नहीं समझना है कि ये वाला, ये ध्यान से रखना है कि ये वी ये नहीं है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। तो हमारा वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अच्छा इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो पता चल जाएगा, यहां अगर मान ले रहे हैं कि 0 वोल्ट है, ठीक है, तो यहां पे कितना होगा, अब ये तो पता नहीं, पहले करंट निकालना होगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 टोटल वोल्ट अपन टोटल रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम आइए प्लस 10 ओम 12 ओम, ठीक है। अगर इसमें ले रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो आपका यही आएगा, तो 48 बाई दिस हाउ मच 4 एम्पियर, तो यहां से 4 एम्पियर चला, तो 48 है तो इसमें कितना ड्रॉप हो गया पोटेंशियल का, 4 × 2 8 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 40 वोल्ट, ये 0 है तो 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 40 वोल्ट, ठीक है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टोटल वायर के अक्रॉस 40, तो अब हम लोग ई निकाल सकते हैं कैसे, 40 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप, तो टोटल लेंथ क्या है 10, ठीक है, तो हमें किसके कितने के अक्रॉस निकालना है 4.6, ओके, आपका जो भी आ जाए आंसर 18 वोल्ट, दैट इज योर आंसर, ठीक है, ये समझ में आया। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सब देखते हैं, ओके। अब ये क्वेश्चन में आपको फिर से निकालना है वही ई की वैल्यू, कैसे निकालेंगे अब बताओ, देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 20 वोल्ट है, ये कितना दिया हुआ है 6 ओम दिया हुआ है, अगर 6 ओम दिया हुआ है तो क्या करेंगे अब बताओ, अब क्या करें, तो इसको 4 ओम मान लेते हैं, सॉरी इसे 4 ओम मान ले रहे हैं, ठीक है। अगर 4 ओम है 6 ओम है तो हमारा करंट कितना फ्लो करेगा, आई इक्वल टू, इसलिए मान लिया कि सिंप्लीफाई हो जाए हमें 20 बाई 10, दैट मीन्स 2 ओम, सॉरी 2 एम्पियर, अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे अगर 0 मान रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे 0 है तो इधर कितना जाएगा, यहाँ पे 20 होगा, लेकिन ड्रॉप कितना हो रहा है 2 एम्पियर का जा रहा है करंट, तो 2 × 4 = 8, यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, 12 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे 12, ठीक है। हमें तो निकालना है E, अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे क्या होगा, अब ध्यान से बताओ, 12 माइनस E होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि ये तो हायर पोटेंशियल इस साइड है, लोअर पोटेंशियल इस पॉजिटिव टर्म में, निगेटिव टर्म में इधर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 12 माइनस E, क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस आपका E होना चाहिए, तो 12 माइनस E इक्वल टू E हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 12 माइनस E। इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्या, नहीं, ये तो नल डिफ्लेक्शन है, नल डिफ्लेक्शन के केस में हम लोग देख रहे हैं, तो अगर नल डिफ्लेक्शन के केस में है तो अगर 12 माइनस E, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 12 माइनस, इस पॉइंट पे भी 12 माइनस E, ठीक है। तो हमें निकालना है E की वैल्यू, तो E की वैल्यू निकालेंगे कैसे, अब हमें क्या पता है इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 12, टोटल लेंथ कितना है 10 इक्वल टू, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 माइनस 12 माइनस E, 12 माइनस 12 माइनस E, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ओके, बाय कितना लेंथ है 2.4,
तो 12/10 इंटू 2.4 इक्वल टू ई, यहां से सॉल्व कर लो आपकी ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे आपको निकालना है। सपोज इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए आपको, एक क्विक बनाता हूं क्वेश्चन इस टाइप से देखते हैं। सपोज ये दिया जाए कि आपका ये 20 वोल्ट है, ये 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है, 4 ओम सॉरी, यहां पे ये लेंथ आपका दे दिया गया 10 मीटर का एंड इसका पोटेंशियल वही 6 ओम दे दिया जाए, ठीक है। अगर 6 ओम दिया गया, अब यहां से आपको पूछा जाए कि आप बताओ ये नल डिफ्लेक्शन कहां पे होगा, एक्स डिस्टेंस बताना इस केस में, ठीक है। अब इसमें आपका जी दिया रहेगा, यहां पे पोटेंशियल, ठीक है, ये आइए 15 वोल्ट दिया हुआ है, तो नल डिफ्लेक्शन के केस में एक्स की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे, आप चेक करो यहां अगर नल डिफ्लेक्शन होगा, अगर नल डिफ्लेक्शन होगा यहां पे क्या होना चाहिए, नल डिफ्लेक्शन होगा। अगर नल डिफ्लेक्शन हुआ तो क्या होना चाहिए, इसमें करंट जीरो, अगर करंट जीरो तेरा डिस्टेंस का कोई यूज नहीं, मीन इसका पोटेंशियल 15 है, तो यहां पे 15, दैट मीन्स इस पॉइंट पे क्या होगा 15, ये चीज आपको ध्यान से देखना है, इस पॉइंट पे क्या होगा 15। तो अफकोर्स अब इसका एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 15, तभी हमारा एक्स ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में लाइक करेगा, ठीक है। तो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस पहले देखते हैं, यहाँ पे आई कितना आ रहा है 20/4+6, दैट मीन्स 2 एम्पियर है। तो यहाँ पे अगर जीरो मान रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 मीन्स 12, मीन्स यहाँ जीरो, यहाँ 12 वोल्ट, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 12 वोल्ट, वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 12 वोल्ट, लेकिन ये तो ऑलरेडी 15, तो ये क्या 12 वोल्ट के बीच में 15 वोल्ट लाई करेगा क्या, नहीं करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ई मस्ट बी लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस, ये चीज ध्यान में रखना है, क्या होना चाहिए फॉर रीडिंग के केस में, फॉर रीडिंग ई मस्ट बी लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस वी, वी कौन सा, अक्रॉस वायर, ये आपको ध्यान में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, तभी आपका क्या होगा ये एक्स की वैल्यू आएगी, अदरवाइज ये सर्किट पॉसिबल नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपसे पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, अब उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाए कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे वी है, तो इसे क्या मान ले रहे हैं जीरो, तो वी, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वी जीरो, ये तो हम लोग करते आ रहे हैं पहले से, तो ये क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देखें ई की वैल्यू आप क्या करोगे, निकाल सकते हो ना पहले से, ये मान लो कि अभी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो ई की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे क्या है नल डिफ्लेक्शन है, नल डिफ्लेक्शन है तो इसमें करंट जी कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है ई की वैल्यू आप निकाल लिए, तो आपको क्या है ई की वैल्यू पता है, लेकिन आर की वैल्यू हमें निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें क्या करना है निकालना है। तो आप क्या करो इसके पैरेलल में एक क्या है रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐड कर दो, रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड किए मतलब रेजिस्टेंस हमें नोन है, अगर नोन है तो हमें इस केस में अब इस एक लूप बन जाएगा इसके अंदर, अगर लूप बनेगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा मान ले अगर यहाँ जीरो है तो इससे कनेक्ट कर दिया तो यहाँ का भी जीरो, अगर यहाँ का जीरो हो गया ये ई है तो इसमें तो करंट जाएगा आई, तो आई फ्लो करेगा तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा ई माइनस आई आर। अब इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है ये तो आपको पता करना होगा, तो करंट कितना है ई अपॉन आर प्लस आर, इस लूप में करंट कितना है आई ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर, यही तो है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया ये जीरो है तो ई माइनस आई आर। अब उसके बाद से ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ तो नल डिफ्लेक्शन हमें देखना है, नल डिफ्लेक्शन दिखना है, तो ये जो पोटेंशियल होगा इसमें यही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, ये समझ में आ रहा है, ये पोटेंशियल क्या होगा यहाँ का होगा, अगर यहाँ का होगा ये डिस्टेंस आपका क्या है एक्स है, तो वी बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा दिस ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आई कितना है ई बाई आर प्लस कैपिटल आर इंटू आर, दैट मीन्स ई आर अपॉन क्या आर प्लस आर वी बाई एल इंटू एक्स। आपको क्या क्या पता है, एक्स पता है, वी पता है, एल पता है, ई पता है और ये रेजिस्टेंस बॉक्स पता है, तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ निकल जाएगी, तो ऐसे आपको निकाल लेना है। जैसे एग्जाम्पल में देता हूँ, एग्जाम्पल का इसी क्वेश्चन में हम लोग ले लेते हैं, ये आर की वैल्यू आपको निकालनी है एल इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है,
एक्स आपको दिया जाए 2 मीटर, ठीक है। ये वी की वैल्यू मैं दे दे रहा हूँ 36 वोल्ट, ठीक है। एक और इसमें रेजिस्टेंस भी ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, 2 वोल्ट का, सॉरी 2 ओम का, 2 ओम का रेजिस्टेंस भी ऐड कर दिया। इस वायर का भी रेजिस्टेंस दे देता हूँ 10 ओम, ठीक है। और भी कुछ देना रह गया? हाँ, ये अगर आपको गिवन रहेगा, आर की वैल्यू निकालनी है तो ई की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, कितना ले लें 10 वोल्ट, एंड आर की वैल्यू 3 ओम, ठीक है। तो अब निकालेंगे कैसे आर की वैल्यू, आपको इसमें पूछा जाए आर की वैल्यू निकालो इसी क्वेश्चन में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया फिगर, लेकिन आप समझ लेना, ध्यान से आप लोग अगर सुन रहे हो तो समझ में आ जाएगा मैं क्या क्या लिखा हूं, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, तो अब क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी। तो आर के कैसे निकालेंगे, वी बाई एल, तो वी बाई एल हमारा किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है इस लूप में, विथ कितना था 36, तो ये इसमें 36/2 + 10 = 12 मीन्स 3 एम्पियर इसमें कर रहा है। तो यहां से 36 है तो 3 एम्पियर यहां से जा रहा है, तो कितना ड्रॉप हो गया, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 30 वोल्ट। अगर 30 वोल्ट यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 30 वोल्ट, ठीक है। तो आपका V कितना हो गया 30, ओके। L कितना है 10 मीन्स 30/10। X कितना दिया हुआ है, X आपको कुछ दिया हुआ है 2 मीटर मीन्स 2, ओके ये है। अब ER, E कितना दिया हुआ है 10, R आपका कितना दिया हुआ है 3 + r। अब सॉल्व करो, निकालो इसे, कितना हो गया 3 से भी कैंसिल, ये 2 से 5 कैंसिल, मीन्स R = 5 - 3, डेट मीन्स 2 ओम R की वैल्यू आ गई, ओके। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका हो गया। अब ऐसा दिया रहा है डायग्राम, आपसे x पूछा जाए, x कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाकर एक देखते हैं उसमें x कैसे निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है x की वैल्यू बताओ फॉर नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन के लिए x की वैल्यू निकालनी है, देखने में कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन कुछ नहीं, जो हम लोग समझे हैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसमें यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप देखना होगा, क्योंकि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, मीन्स V बाई एल निकालना है पहले, इक्वल टू ये जो पोटेंशियल इसके वजह से आएगा वो देखना है, ठीक है। तो पहले तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है ये देखना होगा। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 मान लेते हैं, तो I1 इक्वल टू 48/4 + 8 = 12, दैट मीन्स 4 एम्पियर, ठीक है। 4 एम्पियर मीन्स हाउ मच डिक्रीजेज, यहां से अगर 4 एम्पियर गया तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया, 16 वोल्ट का लॉस हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 वोल्ट, अगर यहाँ पे 0 है तो 32 वोल्ट, ठीक है। अब 32 हो गया तो यहाँ भी 32 वोल्ट एंड 0, तो इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया कि 32 वोल्ट 32/10, ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। मीन्स 32/10 हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन हमें चाहिए अब इस पॉइंट का पहले पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इस ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस बाई एक्स इक्वल टू दिस रेशियो होना चाहिए, तभी तो निकालेंगे। तो अभी इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें करंट मान लो कि I2 फ्लो किया, I2 अगर फ्लो किया तो इसमें क्या होगा, अब बताओ कितना हो जाएगा 10, कैसे निकालें करंट कितना फ्लो कर रहा है, अगर देखा जाए तो कैसे निकाला जाए, यहाँ पे किरचॉप्स वोल्टेज ला अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 10 - 3 I2 - I2, ठीक है, -2 मीन्स 10 - 2, ये क्या है 10 - 2 हो जाएगा, अपोजिट पोलरिटी 10 - 2/4, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 2/4। किरचॉप्स वोल्टेज ला अप्लाई कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कैसे लिखा, माइनस से प्लस जा रहा है तो +10, ये क्या जा रहा है 3 I2 - 3 I2 - I2 × 1, ठीक है, माइनस ये माइनस क्यों लिख रहे हैं, प्लस से माइनस हो गया, 2 = 0, दैट मीन्स 10 - 2/4 = I2, दैट मीन्स I2 = how much 2 एम्पियर, 2 एम्पियर हो गया। तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये अगर 0 है ये 10 वोल्ट है, तो 10 - how much 2 × 3 = 6, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया 4 वोल्ट, ठीक है, कितना आ गया 4 वोल्ट, ये तो क्लियर है कि 4 वोल्ट हो गया। हाँ, तो अब ये 4 वोल्ट यहाँ पे होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो सर्किट कंप्लीट है, तो 4 वोल्ट होगा, तो 4/x किसके इक्वल होगा 32/10, मीन्स 32/10 = 4/x। ये समझ में आया कि ये कैसे, जैसे E-IR हम लोग लिखे थे ना, E-IR पिछला वाला केस में आप ध्यान से देखो, तो ऐसे ही लिख दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 8, दैट मीन्स x = 10/8 मीन्स 5/4,
1.25 मीटर। ओके, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ये करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको एक्स निकालना है फॉर नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, सब कुछ गिवन है, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 4 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, इसका भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 10 ओम। इसका रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1 ओम। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, तो एक्स निकालना है फॉर नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है लिखकर कि पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन का आंसर, ऐसे लिखकर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोग करना। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सेल के बारे में थोड़ा सा। सेल एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट से पहले मेरे को पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल बाद में भी पढ़ लेंगे, छोटा सा टॉपिक है, उसे भी देख लेते हैं सेल के बारे में। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक। ठीक है, तो अब सेल के बारे में देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया। ठीक, अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें क्या है, एक सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मींस ये क्या है हमारा, पूरा पूरा एक सेल, मींस E1 R1 E2 R2 ऐसे दिया हुआ है, तो इसको कैसे कंबाइन करके एक लिखेंगे, कंबाइन करके लिखना होगा। मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, ये हमारा क्या है, कैपिटल आर जो दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे तो ई इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे आप बता दो, ई इक्विवेलेंट लिखना हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 सब सीरीज में है, लाइन से डायरेक्ट। आपको बता चुका हूं कि ये ऐसे है तो एक साइड में भी हो जाएगा, सारा पोटेंशियल एक साइड में है, ये सारा रेजिस्टेंस एक साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ई आई, ऐसे लिख सकते हैं ना, ई इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट क्या है, सब सीरीज में है, अगर सीरीज में है तो इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आर आई। सपोज इसमें कुछ ये ईएमएफ जो है सेल है अपोजिट रहता है, तो क्या करते, उसे कैसे निकालते, तो अगर कुछ अपोजिट में रहता है तो उसे कैसे निकालेंगे, उसे लिखते हैं। मान लेते हैं एन आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, एन आइडेंटिकल बैटरी है। ठीक है, जिसमें ई आर जिसका है, ठीक है, कनेक्टेड कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, सीरीज आउट ऑफ देम एम आर रिवर्स्ड, रिवर्स्ड है, अगर m उसमें उल्टा है तो हमारा e इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, e इक्विवेलेंट n माइनस 2m इंटू व्हाट, e। ठीक है, m माइनस 2m इंटू e। ठीक है, r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n r, r इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बोलेगा कि 2m क्यों हो गया, तो आप चेक कर लो कि अगर उसमें से एक चेंज कर दिया तो क्या होता है, अगर हमारा 5 है, ठीक है, उसमें से 2 चेंज कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ऐसे ही हमारा कह दें, अगर हमारा 5 में से 3 चेंज कर दिया तो 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जा रहा है, मीन्स ऑटोमेटिक हमारा कम हो जा रहा है। तो आप करके देख लो डायरेक्ट, जैसे देख लेते हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कैसे मैं एन माइनस 2m इंटू ई क्यों लिख दिया, इसमें भी कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन होगा तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, अपने को एकदम क्लियर कट रखना है। मान लेते हैं केवल बैटरी लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 बैटरी लिया। ठीक है, E, 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 E. इसमें से मैं क्या करूं, किसी एक को चेंज कर देता हूं, एक की पोलरिटी चेंज कर देता हूं। ठीक है, इसमें कितने हैं, 5 बैटरी है, नंबर कितने हैं, नंबर इक्वल टू 5। अब मान लिया कि 1 2 इसकी पोलरिटी मैं चेंज कर दिया, अब कितने बैटरी हमारे पास, 5 है, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, E प्लस E 5E, ऐसे आप डायरेक्ट लिख दोगे। अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा आप बताओ, कितना है, ई ई ई ई, इसका भी ई है, लेकिन इसका क्या है, पोलरिटी चेंज है, तो आप क्या लिखोगे, ये 4E समेशन में एक साथ में है, प्लस माइनस मिस एडेड है, ये क्या है, इसका सेम साइड का पोलरिटी मिस सब्ट्रैक्ट होगा, या तो आप लिखोगे 4E माइनस ई, यही तो लिखोगे, हाँ यही तो लिखेंगे, या अभी मैंने बताया ये टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 5, उसमें से एक क्या हो गया, चेंज हो गया, तो अगर एक चेंज हो गया तो हम लोग काउंट कितना किए, 4 किए, 4 क्यों किए, क्योंकि एक हमारा पलट गया, उसको काउंट नहीं किया। अगर इसको भी काउंट कर लेते हैं, टोटल कितने हैं सेल, 5, तो जो पलटा है वो क्या है, एक तो अपना चेंज किया और एक निगेटिव में हुआ, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं। अभी भी कन्फ्यूजन है, मेरे को लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कितना था, 5 था, तो हम टोटल डायरेक्ट एक साथ में थे तो 5,
ठीक है, इसमें का एक क्या हो गया, अगर इसमें से एक निकाल गया तो हमारा 5 माइनस 1, ठीक है 5 माइनस 1 हो गया, तो हमारा 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, और वही एक हमारा क्या हो गया चेंज कर दिया है डायरेक्शन। या तो आप ये करो कि 4 माइनस, या तो आप क्या करो इसमें से m अगर चेंज हो गया जैसे ये है, आप क्या करोगे टोटल कितने हैं n है, n है ना, इसमें से m को चेंज कर दिया गया, मीन्स इसको एक को चेंज कर दिया गया, ठीक है एक को चेंज कर दिया गया, तो हमारा कितना बच गया पॉजिटिव जो एक साथ में जुड़ा है, n माइनस m बच गया, कितना जो एक साथ में जोड़ रहा है, ठीक है जो हमारा एक साथ में पॉजिटिव साइड में जुड़ा है, कितना हमारा चेंज हो गया है m हमारा चेंज हो गया जो सब्सट्रैक्ट करना है n। ये समझ में आ रहा है अब, जैसे इसमें क्या था हमारा टोटल कितना था 5 में से हमारा कितना चेंज हो गया एक चेंज हो गया, तो हमारा टोटल कितना बचा 4, ठीक है अब 4 में से एक चेंज हो गया है, ये चीज समझ में आ रहा है कि हमारा कितना बचा कितना 5 माइनस 1 माइनस हमारा ये 5 माइनस 1 क्या हो गया एक साथ में ऐड हो गया, ये टर्म सब्ट्रैक्ट होगा -1 दैट मीन्स 5 माइनस 2, यही आपको लिखा गया एन माइनस टू एम। अभी भी नहीं समझ में आया क्या, अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा टोटल एन है, एन में से एक को चेंज कर दिया, अगर m को चेंज कर दिया तो हमारा बचा कितना जो एक साथ में जुड़ने वाला n माइनस m बचा एक साथ में जुड़ेगा, और जो m हमारा चेंज हो गया है पोलरिटी उसका चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा वो घटेगा ना, तो m को घटा दिया तो n माइनस m माइनस m तो n माइनस टू m, n माइनस टू m इंटू e, वही तो लिखा है, ठीक है ये अब समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अब देखते हैं पैरेलल के केस में, अब ऐसा क्या है पैरेलल में, ठीक है दो हमने बैटरी को एक साथ में जोड़ दिया, ये क्या है इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, इसमें आई करंट जा रहा था आई बाहर आया, ठीक है तो देखते हैं अगर मैं लूप लगाऊं तो एक लूप ऐसे ले लेता हूं ये वाले सर्किट को लेकर, ठीक है कौन सा ये वाले नीचे वाले को भूल गया, ये ऊपर वाला जिसमें आई वन करंट जा रहा है, ठीक है तो इसमें क्या लिखेंगे ई वन किरचॉफ वोल्टेज लॉ माइनस आई वन आर वन, ठीक है माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, इसमें तो कैपिटल आई मिस आई जा रहा है कंप्लीट आई, ठीक है जीरो लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं इस टर्म को इधर लिखते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्या लिखे हैं ई वन माइनस आई वन आर वन माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा ई वन बाई आर वन माइनस आई वन माइनस आई बाई आई इंटू आर बाई आर वन इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दूसरा लूप एक ले लेते हैं इसमें जो यहां से चला है इसमें ये नीचे वाले में आई टू में, तो आई टू में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे अब देखो ई टू माइनस आई टू आर टू माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, मीन्स ई टू बाई आर टू माइनस आई टू माइनस आई आर बाई आर टू इक्वल टू जीरो, ठीक है ऐसे क्या रहता अगर n सेल ऐड किए रहते पैरेलल में, n सेल अगर पैरेलल में ऐड करते, ठीक है तो क्या होता है सब ऐसे ही ऐड होते जाते, फाइनली क्या होता है अगर सबको ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा ई आई बाई आर आई माइनस, ये क्या होगा आई वन आई टू आई थ्री फाइनली ऐड करके हमारा आई का आई तो पार्ट रहेगा माइनस आई आर, ये तो आई आर कॉमन हो जाएगा सिग्मा आई वन अपॉन आर आर आई इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई थोड़ा कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा अब बताओ, ये दोनों में से आई कॉमन हो गया तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा ई अपॉन आर आई अपॉन वन प्लस आर सिग्मा आई वन अपॉन आर आई, ऐसे लिख सकते हैं या और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना हमें सिग्मा सिग्मा ई आई अपॉन आर आई, ठीक है ये एक साथ में अपॉन सिग्मा वन बाई आर आई, ठीक है टोटल अपॉन आर प्लस वन बाई सिग्मा वन अपॉन आर आई, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो तो ये टर्म को मैं कॉमन कर लिया, कॉमन करके ऊपर लेकर चला गया तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन दिस, इसमें से आर फ्री हो गया, ऐसे ये चीज लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ऐसे। अगर लिख सकते हैं तो आप ध्यान से देखो ये हमारा क्या, अगर कंपेयर करें इससे आई इक्वल टू क्या होता है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस मीन्स कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट, यही तो होता है आई, तो इसमें ये टर्म क्या हो गया हमारा
अगर ध्यान से देखा जाए तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, ई इक्विवेलेंट, और ये टर्म क्या हो गया हमारा, ये वाला टर्म। अब ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर ये टर्म हो गया तो सिंपल वे में हम लोग लिखते हैं, अगर यहाँ पे तो ई इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखेंगे, अब ध्यान से बताओ, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू सिग्मा ई आई अपॉन आर आई अपॉन सिग्मा वन अपॉन आर आई, ठीक है। ये आपका ई इक्विवेलेंट आ गया पैरेलल के केस में, एंड आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई सिग्मा वन अपॉन आर ई आर आई, दैट इज योर आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब पूछा जाए कि अगर एन आइडेंटिकल बैटरी है जिसका ई और आर है, ठीक है, पैरेलल में है, ये टर्म जरूर याद रखना है जो चीज मैं लिख रहा हूं हैश मार करके, इफ एन आइडेंटिकल टिकल, ठीक है, आइडेंटिकल बैटरीज, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है इसलिए मैं ये चीज आपको लिख रहा हूं आइडेंटिकल बैटरी करके इन पैरेलल, ठीक है। अगर है तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब देखो ई इक्विवेलेंट अगर लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखते हैं, ई हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एन एन ई एन ई बाई आर अपॉन ये भी एन बाई आर, आर से आर कैंसिल, एन से एन कैंसिल, डेट मीन्स ई, मीन्स पैरेलल में हमारा कितना भी ई जोड़ा जाए हमारा उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ई होगा, अगर सब इक्वल है तो, ठीक है। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट वन बाई एन बाई आर, डेट मीन्स आर बाई एन, ये तो आपको पता है पहले से ही, ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब मिक्स के बारे में भी देख लेते हैं, मिक्स में क्या होता है, मिक्स ग्रुपिंग में सीरीज पैरेलल सब दिया हो तो मिक्स के भी बारे में देख लेते हैं, मिक्स मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो तो इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे एडेड होंगे, डायग्राम बना लेता हूं मैं पहले, ये देखते हैं इसमें सीरीज में आपके कितने हैं, एन इक्विवेलेंट ई ई है, ठीक है, ई वन ई टू ई थ्री जैसे करके अगर सब ई और आर मान लिया जाए तो एन कितना है, ई है सीरीज में, और ये कितने पैरेलल में है, एम टाइम्स पैरेलल में है, ठीक है, मीन्स ऐसे 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 करके एम एम रोज है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस केस में आपका ई इक्विवेलेंट पूछा जाएगा, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, पैरेलल में ई क्या हो जाता है, अगर सेम है तो हमारा ई ही रहता है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीरीज में अगर ई है तो क्या हो जाता है, सब ऐड हो जाते हैं, तो सीरीज में कितना ई है, एन, तो एन ई डायरेक्ट हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है कि पैरेलल में कितना भी ई रहे अगर सेम है तो हमारा फाइनली इक्विवेलेंट ई ही रहता है, क्योंकि दोनों के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसलिए हमारा ई, ठीक है, हर एक का ई ही रहेगा इसलिए ई रहता है पैरेलल में, लेकिन सीरीज में हमारा नंबर ऑफ है तो नंबर ऑफ सब ऐड हो गया एन ई। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सीरीज में कितने रेजिस्टेंस है, एन आर, एन आर हमारा सीरीज में है, पैरेलल में कितने हो जा रहे हैं, अब पैरेलल में अगर सीरीज में हो गए एन आर, ठीक है, एन आर यही तो हमारा पैरेलल में एडेड है, कितने टाइम्स, टाइम्स एम टाइम्स, तो एन आर एन आर वन बाई एन आर वन बाई एन आर वन बाई एन आर कब तक, एम टाइम्स, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा एन आर बाई स्मॉल एम, जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो आपका कम्बिनेशन भी हो गया, ये टर्म मेरे को पहले पढ़ाना चाहिए इंस्ट्रूमेंट से पहले, लेकिन मैंने ये बाद में बता दिया ताकि आपको याद भी रहे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज आपको बस याद रखनी है कि कैसे निकालनी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इसमें जो क्वेश्चन दिया हूं आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें उसका आंसर, नहीं समझ में आएगा मैं फिर से बताऊंगा, ओके, थैंक यू।